मेरा नाम शेख अखिल शेख अजीज़ है। मैं शिवसेना अल्पसंख्यक पूर्व शहर संगठक हूँ। माननीय रेणुकादास राजू वैद्य साहब उनके मार्गदर्शन में मैं काम करता हूँ। हमने देखा कि जैसे गजानन मंदिर से सेवनिल जो रोड है और शहर के तकरीबन बहुत से मार्केट में जो गणपति की जो मूर्तियाँ बेचते हैं वो लोग उस मूर्ति को बेचने के बाद टूट फूट होने के बाद वही छोड़ देते हैं। छोड़ने के कारण वो मूर्ति की एक तो कचरा रहता, उसकी विटंबना होती है। तो वो मसले को हल करने के लिए मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर पिछले साल से एक काम चालू किए। वो पूरे मूर्ति हम जमा करते हैं और उसको शिवाजी नगर में जो कुआ है वहाँ पर ले जाके विसर्जित करते। काम की बेचना बोलते, मैं एक लास्ट टाइम मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था जब मैंने देखा कि मूर्तियाँ टूट फूट के पड़ी हुई है, लोग वहाँ कचरा डाल रहे हैं। और असल में ये बात है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम हिंदू सीता हमारा, हम सब एक ही है। खुदा भगवान किसी का भी हो उसका मान सम्मान होना चाहिए, इसलिए हमने वो सब चीज मूर्ति वगैरह उठा के विसर्जित किए। माझं नाव अनिल हुसे आहे, मी विशाल नगर येथे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी ये हमारे दोस्त के वजह से मैं वहाँ आया था और मूर्ति वालों ने अभी जो रखे गणपति वो ये बारी में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि लास्ट टाइम ने भी इन्होंने सब मूर्ति उठाए थे और सबको बोले भी थे, लेकिन उन्होंने वो अभी ये टाइम वैसा ही किए। उससे मूर्ति की विटंबना होती है, क्योंकि टूटे फूटे वाले गणपति रहते हैं, उनकी पूजा के लिए जाने वाले रहते थे, लेकिन वो एक विटंबना ही बोल सकते उसको। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ मूर्ति वाले को, आगे ऐसा मत करिए। थैंक यू। आपका पूरा परिचय बता दो। मेरा नाम अनिल हुसे है। हम अखिल साहब के साथ है और जो अभी मंदिरों ये जो गणपतियों के जो टूटे फूटे हैं हम वो अच्छा काम कर रहे हैं अखिल भाई, हम उनके साथ साथ में। आपका परिचय बता दीजिए। मोहम्मद जोहेब बागवान। आप यहीं के रहे हो? यहीं के रहे वैसे। सर्व गणेश मूर्ती विक्रेत्यांना कळकळीची विनंती आहे, मूर्तीची अशा प्रकारे विटंबना होते त्यामुळे आपली मूर्ती विक्री झाल्यानंतर मूर्तीची वेगळे योग्य ठिकाणी विसर्जन करावे, नाहक देवी देवतांचं अपमान करू नये अशा प्रकारे मूर्त्यांची फुटफुट होते आणि चुकीच्या ठिकाणी त्या मूर्त्या टाकलेल्या असतात।